गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चों आज कंटिन्यूटी में हम लोग दो चीजों पे ध्यान देंगे। सबसे पहला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो हमने कंटिन्यूटी में क्या क्या पढ़ा है, जरा एक बार रिवाइज कर लो। कंटिन्यूटी क्या होता है, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं और किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। और उस पे बेस्ड हमने आरडी शर्मा में दो एक्सरसाइज बनाए, 9.1 एंड 9.2, एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विथ यू ऑल। तुम लोगों में से दो बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, या तो बाकी बच्चे सब कुछ बना दिए, बहुत अच्छी बात है जो कि हो नहीं सकता, या फिर आप मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो आप पीछे हो, आप बैकलॉग पे हो, आप करंट लेक्चर पे नहीं हो। तो प्लीज चीजों को सही करो, ठीक है, वो जरूरी चीजें हैं, बहुत जरूरी है ना। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछा उनका हम क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन सबको बताना चाहिए तो हम उसको लेके आए हैं, और जो पर्सनल है मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक है डिसकंटिन्यूटी की टाइप, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और वो क्या होते हैं, कैसा होता है, इन सब बारों में जानना है, ठीक है। तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे बात, एक बहुत अच्छे टॉपिक की, जो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी को बेसिक तौर पे दो टाइप्स में बांट दिया गया। कितने टाइप्स में बांटा गया इसको, इसको दो टाइप्स में बांट दिया गया। पहला जो टाइप आया बच्चों उसको कहा गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या कहा गया बताइए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये पहला टाइप आया, ठीक है। उसके बाद इसी के बाद जो दूसरा टाइप आया मेरे प्यारे बच्चों उसको कहा गया नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बताओ जो दूसरी टाइप आई वो क्या आ गई, वो आ गया नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बस यहीं तक फिक्स नहीं रहा, इस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के फर्दर दो टाइप आ गए, फर्दर दो टाइप आ गए। जो इनका पहला टाइप आया बाबू रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का, वो कौन सा आया, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम रखा गया बताओ, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, है ना। और इसी का जो दूसरा, पहला पार्ट तो हो गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और इसी का जो दूसरा आया उसको कहा गया आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कैसा पॉइंट हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसके दो टाइप हो गए। जहां तक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात है, इसके फिर फर्दर तीन टाइप आए। पहला आया फाइनाइट, दूसरा आया इनफाइनाइट, और तीसरा आया ऑक्सीलेटरी। तो टोटल इतने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। हर टाइप को देखो, अभी ये जो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ये आपके बोर्ड की सिलेबस नहीं है, लेकिन अगर पता रहता है तो कोई बुरी बात नहीं है। बिकॉज कभी कभी जेई मेंस वगैरह में, या फिर जो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम होती है उस पे, जैसे KVPY हो गया, SCRA हो गया, इन सब में थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाता है, तो वहां पे आ जाए तो फिर अचानक से आप ब्लैंक हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है। तो बताओ डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप्स के सर, दो टाइप्स के, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में फिर से दो टाइप, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। नॉन रिमूवेबल में तीन, फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑक्सीलेटरी। तो बिना देर किए पट से इसको पॉज करके उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डिटेल्ड में, है ना।
चलिए बच्चों, तो आ जाते हैं हम लोग अपने सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो कौन सा टाइप है बताओ, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। चलो भैया हेडिंग लगा लेते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात यह आती है कि सर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते किसको हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते किसको हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं इसके बारे में कुछ लिखता हूं, ठीक, और फिर जो चीज है रिटेन उसको आप उतारो और तब एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं ताकि लिखने उखने का झमेला खत्म हो जाए। कहता है सर कि इन दिस केस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए है ना, एग्जिस्ट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब किसी भी फंक्शन का अगर ए पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, मान लो ए पे डिसकंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन है जो ए पे डिसकंटिन्यूअस है, तो उसमें क्या कह रहा है कि वो डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल होगी कब, जब उसका जो लिमिट हो वो लिमिट क्या करे बाबू, एग्जिस्ट करे। लेकिन बट या तो आइदर लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए बराबर नहीं हो एफ ऑफ ए के, और नहीं तो एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट कहो या डज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही ना हो, ठीक। अगर ये दो चीजें हो जाती हैं, यानी पहला चीज अगर कोई डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है यानी 100% उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है मेरे बच्चे कि उस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पे और उसी फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू a प्लस पे, दोनों ही चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी और अच्छे से कहा जाए तो LHL और RHL बराबर आ जाएगा। तो एक फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तभी होगा, जब उस फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हो। हां, लेकिन या तो वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं हो और नहीं तो एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं हो। आ रही है बात समझ में? ये दोनों में से कोई एक हो और लिमिट एग्जिस्ट करे तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फिर से समझना मेरी बात को, जैसे मान लो ये रहा मेरा फंक्शन, ऐसे वो टक 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 टक, ये नॉर्मल फंक्शन है। हमने यहाँ पे क्या किया कि एक छोटा सा गैप कर दिया, होल कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया। इसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं मिला मेरे को। मैंने एग्जैक्ट जब एक्स बराबर ए रखा तो मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिला। x के पहले जो वैल्यू है, x के बाद जो वैल्यू, दोनों बराबर है, LHL और RHL दोनों बराबर है। यानी इसके जस्ट पहले आओगे मेरे भाई तो तुमको LHL मिलेगा, इसके जस्ट बाद आओगे तो तुमको RHL मिलेगा। LHL और RHL दोनों ही बराबर है, उसमें कहीं नहीं सोचना है, लेकिन x बराबर a पे बराबर नहीं है, x बराबर a मिला ही नहीं, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो इसको कहा जाएगा क्या, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ रहे हो क्या कहोगे इसको, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि इसको रिमूव करना पॉसिबल है। हम अगर इसमें हल्का सा चेंज ला दें तो ये रिमूव हो सकता है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन से कंटिन्यूअस फंक्शन बन सकता है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो ये समझो कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है क्या। एक फंक्शन को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे अगर किसी पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो बट वो लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू के बराबर ना हो, और नहीं तो फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू नॉट डिफाइंड हो। तो इस कंडीशन में जो डिसकंटिन्यूटी मिलेगी वो रिमूवेबल कंटिन्यूटी होगी। यानी आप फंक्शन को रीडिफाइंड करके फिर से बदल के एक नए फंक्शन के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस करोगे जिसमें से डिसकंटिन्यूटी हट जाएगा और वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ गए बात को? तो पहले इसको उतारो फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। चलो डू इट फास्ट बच्चों, जल्दी करो जरा, है ना, फटाक से करिए इसको।
उतार लिए ना, चलो एकदम सुंदर बात है। देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके दिखा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। चलिए ये इक्वेशन है और आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स बराबर टू। किस पे चेक करनी है? एक्स बराबर टू। चलो एक बार कोशिश करते हैं बिना दिमाग खर्चा किए इसको बनाते हैं, ठीक है। जब तुम इसको बनाने जाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो देखो क्या होने वाला है, ध्यान से देखो क्या होने वाला है, ठीक है। आ जाओ समझना मेरी बात को। सर जी सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट फंक्शन का जब हमारा x दो से कम हो, यानी हम लिख सकते हैं लिमिट फंक्शन का 2 माइनस h, और h किसके तरफ जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये 2 माइनस h है, फॉर्मूला तो यही लगाओगे बिकॉज एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, h टेंस टू जीरो। 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस h माइनस 2। इसमें आप एक्सपर्ट हैं तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये 4 हो गया, ये आपका h का स्क्वायर हो गया और माइनस 4h माइनस 4 हो गया और नीचे हो गया 2 माइनस h माइनस 2, टक 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 कट गया। और कटने के बाद अगर देखा जाए तो भैया टक टक 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 4। तो LHL मेरा 4 आ गया, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों RHL का। जैसे ही RHL निकालोगे फंक्शन की लिमिट दो से ज्यादा हो जाएगी, यानी हम बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ 2 प्लस एच की, ठीक है। और यहां पे मेरा एच कहां जाएगा प्यारे बच्चों? जीरो की तरफ जाएगा ना, जीरो की तरफ। अब क्या करेंगे? एफ ऑफ 2 प्लस एच, और यहां लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। क्या हो जाएगा बताओ? लिमिट एच टेंस टू जीरो। 2 प्लस एच को क्या लिखोगे? 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 प्लस एच, और बताओ माइनस 2। अच्छा बताओ अब क्या लिखिएगा? 4 प्लस एच स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4h माइनस 4 बाय 2 प्लस एच माइनस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां भी मिलेगा 4। यानी LHL भी 4 मिला और RHL भी 4 मिला। इसका मतलब है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा इसका लिमिट? तो हम यहां पे लिखते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे आपको दिखना चाहिए, है ना। तो देखो क्या लिखेंगे, इट मींस लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 2 पे क्या करेगा? 4 आएगा, एग्जिस्ट करेगा, 4 आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं f ऑफ 2 निकालो, आप 2 का स्क्वायर करोगे माइनस 4, नीचे 2 माइनस 2 करोगे 0/0। बताओ ये कैसा हो गया? क्या 0/0 डिफाइंड क्वांटिटी है? नहीं, नॉट डिफाइंड है। तो यहां पे मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो x बराबर 2 पे अपने लिमिट को तो एग्जिस्ट करा रहा है, LHL RHL बराबर हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम 2 की बात करें, एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू निकालें तो हमको कोई वैल्यू ही नहीं मिलने वाला है। यानी वहां पे एक पॉइंट मिसिंग है, 2 पे इसका कुछ वैल्यू ही नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो हम जब इसकी ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ मेरे पास बनेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा 2, उस 2 पे इसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं मिलने वाला। तो जब इसका कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा 2 पे, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं, 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी एक स्पेशल टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? अगर इसी फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर दें। कैसे? ऐसे डिफाइन कर दें, यहां देखो कि भैया मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, सॉरी माइनस फोर एक्स माइनस टू, जब मेरा एक्स दो के बराबर नहीं है। और जब मेरा एक्स दो के बराबर है तो उस वक्त आ जाएगा 4।
जैसे ही ऐसे डिफाइन करोगे, टू पे आपको नॉट डिफाइन ना मिलके चार मिलने लग जाएगा। आपने डिफाइन कर दिया, जो पहले फंक्शन था उसमें बदलाव लाए, उसमें चेंज लाए, उसको रीडिफाइन किए, और रीडिफाइन करने से जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, अब वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होने लग गया, कंटिन्यूअस होने लग गया। एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मेरे को लगता है तुमको क्लियर हो चुका है, एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुका है। एक दो और एग्जांपल्स करते हैं, पहले इसको प्रेम से उतारो, एकदम मन से उतारो, चलो 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 फटाफट फटाफट काम करो। कल से आपकी डिफरेंसिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिन्होंने कंटिन्यूटी अच्छे से नहीं कमांड किया है उनके लिए मेरा बहुत बड़ा RIP है, रेस्ट इन पीस है, है ना। आप मजे में हो, आप अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, मत करो, मेरा क्या जाना है, मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या बर्बाद होगा, मत करो कंटिन्यूटी। जब डिफरेंसिबिलिटी पे आओगे, डिफरेंसिबिलिटी में भी कंटिन्यूटी का ही पोर्शन आएगा, वही चीज यूज होने वाला है, बस यहाँ LHL था, वहाँ LHD रहेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रहेगा, बाकी करना तो लिमिट ही है। तो अगर आपको नहीं आता है तो डिफरेंसिबिलिटी भी गोल, और डिफरेंसिबिलिटी गोल होगी तो डिफरेंसिएशन का आत्मा खत्म। अब बिना आत्मा के जॉम्बी बना के डिफरेंसिएशन को पढ़ना, और जॉम्बी हमेशा खतरनाक ही होता है, इस बात को समझ लो। तो भैया बताने को मैंने बता दिया, अब रोज रोज मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि मैं डेली के डेली आपको बस यही समझाऊं कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। और हमारे भैया जी जो है वो तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। समझिए ध्यान को, f(x) = x+ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसका पता लगाना है आपको कि भाई कोई वैल्यू हमने दे दिया x इज इक्वल टू, क्या दे दिया, मान लो हमने दे दिया x इज इक्वल टू 2। 2 पे पता लगाना है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, और अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है कि नॉन रिमूवेबल। आ जाओ पता लगाते हैं, एकदम ध्यान से देखो। चलिए एकदम आराम से देखते हैं, आइए LHL की बात करते हैं। सर जब हम LHL निकालेंगे ना, देखो क्या आएगा, लिमिट ले लेंगे किसका, फंक्शन का, कब, जब x 2 से कम है, है ना। तो क्या लिखोगे मेरे बच्चों, लिमिट लिखोगे किसका, f(2 - h) लिखोगे। h किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत है, आ जाओ इसको सॉल्व आउट करते हैं। सर यहां हो गया लिमिट f(f) ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - h एंड देन -2 + h h टेंस टू 0 हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। सर 2 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, है ना, और -2 + h का, समझना मेरी बात को, -2 + h मतलब -2 में आपने कुछ जोड़ा तो क्या आएगा, -1 point something something, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या, -2 + क्या करोगे, -2, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, -1। ठीक, ये LHL की बारी आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने RHL के कॉन्सेप्ट पे, RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखो प्यारे बच्चों, लिमिट किस चीज का, फंक्शन का, जब x 2 से ज्यादा हो, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, लिमिट f(2 + h) और h किधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट 2 + h, है ना, उसके बाद प्लस में -2 - h, ठीक, और h किसके तरफ गया, 0 की तरफ गया। जैसे ही इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे 2 को, पट से आपका 2 + 2 point something ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, और इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आने वाला है भाई, 2 point something हो जाएगा, तो -3 आएगा, यानी -1। यानी LHL और RHL क्या है, इक्वल है, LHL RHL इक्वल है, यानी इनका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि भैया लिमिट जो है मेरे फंक्शन का x टेंड्स टू 2 पे क्या आएगा बताओ, -1 आएगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक। लेकिन एग्जैक्टली 2 पे देखते हैं वैल्यू क्या होता है, f(2) निकाल के देखो। जैसे ही f(2) रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है, क्या आया, 0 आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, लेकिन क्या आया, 0। यानी अगर हम बात करते हैं इसके LHL RHL की, तो बराबर है, -1 की है। f(a) निकालते हैं, आएगा, नॉट डिफाइंड नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन क्या ये LHL RHL और ये 0 बराबर है, नहीं।
तो यहां पे एक पॉइंट मिला लेकिन वो आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। इसके पहले वाले में पॉइंट मिला ही नहीं तो उसको मिसिंग पॉइंट कहा गया, यहां पॉइंट मिला तो वो अलग हो गया, आइसोलेट हो गया, समझ रहे हो। एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये भी एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन इसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो ये दो टाइप के रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आपके होते हैं, समझ गए। फिर से एक बार कंक्लूड करके, सर वैसे फंक्शन को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं जिसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करे किसी पॉइंट ए पर, लेकिन वो लिमिट ना तो एफ ऑफ ए के बराबर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही ना करे, तो ये जो टाइप का डिसकंटिन्यूअस होगा उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक, क्यों रिमूवेबल कहते हैं, बिकॉज हम अगर चाहें तो फंक्शन को रीडिफाइंड करके उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था तुमको। दूसरी बात सर, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दो तरह के होते हैं, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट में एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता है, आइसोलेटेड में एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है लेकिन वो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए के बराबर नहीं होता है। दोनों ही केसेस में हम फंक्शन को रीडिफाइंड करके क्या कर सकते हैं, उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी से कंटिन्यूअस फंक्शन में बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि तुमको ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस एग्जाम्पल को उतारो और इस पर लिख दो ये है आइसोलेटेड पॉइंट का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो फटाक से उतारिए। चलिए आ जाओ। चलिए भैया, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का तो कॉन्सेप्ट सर बहुत सुंदर से क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यानी सेकेंड का। ठीक है, आ जाओ, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना, ऐसा डिसकंटिन्यूटी जो नॉन रिमूवेबल हो, यानी जिसको रिमूव करना पॉसिबल ना हो, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। पक्की बात है, आ जाओ खूब प्रेम से स्टार्ट करते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, खूब मन लगा के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एकदम आराम से। कहता है सर, हियर इन दिस केस लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए डज नॉट एग्जिस्ट। लो भैया, यहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यहां लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ ऑफ ए की तो बात ही छोड़ दो। अब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि फंक्शन का लिमिट ए से कम पे बराबर नहीं होगा फंक्शन का लिमिट ए से ज्यादा पे। और जब ऐसा होगा कि फंक्शन का लिमिट ए से कम पे और ए से ज्यादा पे बराबर नहीं होने वाला है, तो भैया ये कहां से कंटिन्यूअस होंगे, ये डिसकंटिन्यूअस ही होंगे, और इनको रिमूव करना भी पॉसिबल नहीं है, ये तो एकदम नॉन रिमूवेबल होते हैं। क्यों, अब सोचो इतने का गैप है तो क्या करोगे कि गैप वह कम हो जाए, हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए इसको कहा गया नॉन रिमूवेबल। अब इसमें तीन टाइप आ गए, पहला टाइप आया फाइनाइट, समझना मेरी बात को, फाइनाइट एनआरडी लिख देता हूं मैं। फाइनाइट एनआरडी का मतलब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब है कि सर एलएचएल कुछ आएगा, आरएचएल कुछ आएगा, फाइनाइट नंबर ही आएगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे मान लो कि कोई तुमने फंक्शन ले लिया, इसमें आ गया एलएचएल 4 और इसमें आ गया आरएचएल 10। ले भैया, एलएचएल कुछ और, आरएचएल कुछ और, अब बताओ होने वाला है। जैसे एग्जांपल देखो, याद करो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स,
याद करना, ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन याद करो, क्लास 11th है ना, इसका जो है अगर तुम x को 0 से कम लेते हो, मतलब समझना मेरी बात को, 0 पे हम बात करते हैं, 0 पे, जैसे ही 0 से कम लोगे तुमको पट से -1 मिलेगा मेरे भाई, और 0 से ज्यादा लोगे तो पट से 1 मिलेगा। ले तो LHL आया -1, RHL आया 1, लेकिन क्या दोनों इक्वल है? नहीं। तो इसको कहते हैं फाइनाइट NRD, यानी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन वो फाइनाइट है। अब देखो एक और आओ, इनफाइनाइट दिखाते हैं तुमको, देखो कितना खतरनाक है हमारा इनफाइनाइट NRD। इनफाइनाइट NRD का क्या कंडीशन है, ठीक है, एकदम सिंपल समझना। मैं टेन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, देखो ध्यान से, टक 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 टक, है ना, ये जीरो होती है, ये पाई बाई टू होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये पाई होता है, ये टक 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 टक, ठीक। अब देखो ध्यान से पाई बाई टू पे, देखो पाई बाई टू से जैसे ही थोड़ा सा इधर आओगे पट से प्लस इंफिनिटी, अब पाई बाई टू से थोड़ा सा उधर जाओगे पट से माइनस इंफिनिटी। देखो ध्यान से, पाई बाई टू से लेफ्ट साइड आए, LHL साइड आए, प्लस इंफिनिटी मिलेगा, पाई बाई टू से राइट साइड गए माइनस इंफिनिटी मिलेगा। ले भैया ये तो इनफाइनाइट मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है इनफाइनाइट NRD। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे कैसा डिसकंटिन्यूटी आ गया, इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आ गया। अब देखो सी नंबर आ जाओ, ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी मैंने एक बात बोला था क्या बच्चा, ऑक्सीलेटरी NRD, ऑक्सीलेटरी NRD, ये क्या है सर? तो देखो एक फंक्शन ले लो, f(x) इज इक्वल टू sin 1/x, और x टेंड्स टू जो भी जीरो पे चेक करना है। तो यहां इसके साथ क्या होगा कि जब तुम इसमें लिमिट लगाओगे, देखो बात समझना मेरी, लिमिट sin 1/x x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो देखो जीरो से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जीरो से आगे बढ़ेगा कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, तो ये क्या करते रहता है, ये -1 से 1 के बीच ऑक्सीलेट करते रहता है। एग्जैक्टली क्या आएगा किसी को नहीं पता, बस -1 से 1 के बीच टक 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 क्या करता रहेगा, ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो इसको कहा जाता है ऑक्सीलेटरी NRD, यानी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। याद करो जब हम तुम लोग को लिमिट बता रहे थे, लिमिट का RD शर्मा का दूसरा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग को डिसकंटिन्यू प्रूफ करना था, और हम बोले भी थे कि जैसे तुम h को टेंस टू जीरो करोगे ये -1 से 1 के बीच ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, और ये कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। याद आ रहा है मैंने बोला था कि ये कैसा आएगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि यहां पे ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी आ गया। समझ गए बात को? तो चलो एक बार NRD को कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सर NRD का मतलब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला फाइनाइट NRD, इनफाइनाइट NRD, ऑक्सीलेटरी NRD, है ना। सर जी NRD में क्या होता है कि यहां पे इस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी LHL और RHL होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब कैसा हो सकता है, LHL निकालो -1 आए, कोई फाइनाइट वैल्यू आए, RHL निकालो वो भी कोई फाइनाइट वैल्यू आए, यानी अगर LHL RHL कोई फाइनाइट वैल्यू आए और बराबर ना आए तो हम कहते हैं फाइनाइट NRD। अगर LHL RHL इनफाइनाइट वैल्यू आए तो भैया बराबर ना आए, वो तो बराबर नहीं आएगा पक्की बात है, लेकिन अगर इनफाइनाइट आए तो कहलाता है इनफाइनाइट NRD। और अगर ऑक्सीलेटरी है तो LHL RHL घूमता रहे, क्या रहेगा एग्जैक्टली नहीं पता, इधर उधर -1 से 1 के बीच में टक 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 क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, तो इसको कहेंगे ऑक्सीलेटरी NRD। तो जहां तक मुझे लगता है हमने आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, आराम से टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी समझ चुके हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, फोन करिए, जो क्वेश्चन है वो पूछिए, ठीक। अब हम लोग काम करते हैं, जो 2-4-5 मेरे पास डाउट आया था उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके काम के हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, हो सकता है वो सबको प्रॉब्लम हो, तो मैं उन क्वेश्चन को अभी करा रहा हूं, पहले आप इसको उतार लीजिए उसके बाद चलिए। कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी आपकी, डिफ्रेंसिबिलिटी, है ना, मस्त चैप्टर है, लेकिन प्लीज यार तुम लोग से रिक्वेस्ट है, मतलब क्या करूं मैं समझ नहीं आता, पता ही नहीं चल रहा है ना कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों, पढ़ो,
है ना। और सबसे मजेदार बात है कि क्वेश्चंस बनाओ, बिकॉज अगर क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए आज का एक डाउट क्वेश्चन है, वो 16 नंबर क्वेश्चन है शायद, 9.2 का 16 नंबर क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट हाँ शायद। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ, ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। ठीक, चलो अब देखो बच्चों, जब भी कभी ऐसा आए कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना हो, माने तुमको नहीं दिया है कि कहां पे क्या होगा, अब आपको बताना है कि डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कहां है, सब कुछ आपको बताना है। यानी अगर आपको क्वेश्चन मिले कि भैया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो, तो कभी भी कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस वहां पे होता है जहां पे उसकी वैल्यू बदल रही हो, मतलब मशीन चेंज कर रहा हो। जैसे मान लो एक मशीन है तो टक 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 प्रॉपर वो चल रहा है, चल रहा है, अगर उस मशीन में कोई नट बोल्ट बदलोगे तब तो जाके उसमें डिसकंटिन्यूटी आने के चांसेस है। मेरे कहने का मतलब है कि ये फंक्शन उन्हीं जगहों पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जहां पे इसमें बदलाव आए। अब बदलाव समझना, जैसे देखो, जैसे एकदम आराम से देखो, अगर हम कहें कि हम एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स है माइनस एक्स प्लस वन है। अब हम सोचते हैं, अगर समझना कि मेरा एक्स अगर जीरो से कम है, एकदम आराम से समझो, अगर एक्स जीरो से कम है तो ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एक्स जीरो से कम लेकिन माइनस वन से हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, चाहे एक काम करो थोड़ा और पीछे चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्स को माइनस वन से अगर हम कम कर देते हैं, माइनस वन से कम, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो मेरा डिब्बा खुलेगा माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस वन, यानी हो जाएगा माइनस एक्स, फिर बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ, प्लस एक्स प्लस वन, टक टक कट जाएगा, बताओ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, वन आएगा, किस पे, जब माइनस वन से कम होगा तब। उसके बाद अगर मेरा एक्स माइनस वन के बराबर या उससे बड़ा है और जीरो से कम है तो ये नेगेटिव होगा, समझना मेरी बात को, ये नेगेटिव होगा लेकिन ये वाला अपने आप नॉर्मल पॉजिटिव खुलेगा, तो माइनस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, कब, माइनस वन से जीरो के बीच। और एक और कंडीशन हम ले सकते हैं कि अगर मेरा एक्स जो है, समझो बात को, यहां पे किससे बड़ा हो गया बताओ जल्दी से, एक्स मेरा अगर जीरो से बड़ा हो गया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तब उस केस में आएगा एक्स माइनस वन, यानी आंसर आएगा माइनस वन। तो हमारे पास तीन जगह पे फंक्शन बदल रहा है, एक तो माइनस वन पे बदल रहा है, देखो माइनस वन से कम पे वन है और माइनस वन से ज्यादा पे ये है, और दूसरा जीरो पे बदल रहा है, जीरो से कम पे ये है और जीरो से ज्यादा पे ये है। तो देखो बच्चों, जिसको भी डाउट था मैं समझा रहा हूं, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं समझा रहा हूं, आप क्या करिए कि इस फंक्शन का लिमिट चेक करिए, एक्स बराबर माइनस वन पे यहां पे कंटिन्यूटी चेक कर लो और एक्स बराबर जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कर लो। अगर इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है बच्चों तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक, अब देखो जिसको ग्राफ का टेक्निक पता है, जो ग्राफ में मजेदार है वो देखो, देखे के बता देंगे कि कंटिन्यूअस है, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होने वाला। देखो माइनस वन से कम में यहां पर रखो माइनस वन, ठीक है, माइनस वन से कम में वन मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, वन मिलेगा फंक्शन, यानी कि माइनस वन में कम से यहां वन मिलेगा, टक 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 वन जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस वन से जीरो तक, यानी यहां से लेके यहां तक, माइनस वन से जीरो तक माइनस टू एक्स माइनस वन मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस टू एक्स माइनस वन मिलेगा। अब सोचो माइनस वन पे तो ये मिल रहा है और यहां पे अगर माइनस वन रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस टू प्लस टू माइनस वन, वन ही मिलेगा, तो ये ऐसे ग्राफ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, और जीरो रखने पे माइनस वन मिलेगा, तो ये ऐसा ग्राफ जाएगा, समझना मेरी बात को, यहां जाएगा, तो ये ग्राफ यहां तक ऐसे ग्राफ गया, ये ग्राफ ऐसा चला गया, और जैसे ही तुमने जीरो से बड़ा रखा तुमको वन मिलने लग जाएगा, यानी पट से ये ग्राफ कहां पहुंचेगा, सोचो ध्यान से, पट से जीरो से बड़ा पे कहां पहुंच जाएगा, ये वन पे पहुंच जाएगा, यानी एक सेकेंड, वन, सॉरी सॉरी, माइनस वन मिलने लग जाएगा, यानी ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा।
ठीक। तो ये जो तुम ग्राफ देख रहे हो, कहीं पे भी तुमको टूटा हुआ ग्राफ दिख रहा है? कहीं टूटा हुआ ग्राफ नहीं दिख रहा है। ऐसा ग्राफ इसका मिलेगा, और यही ग्राफ का अगर आपके अंदर टेंडेंसी है, ग्राफ आपको बनाने आता है, आप ग्राफ से खेलना जानते हो, तो अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ रही है आईआईटी क्वेश्चन बना दे, आप बोले द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफएक्स डिफाइंड बाय दिस इज इक्वल टू ए 0 बी 1 सी 2 और डी 4, तो ग्राफ बच्चा पट से बनाएगा और देखो ये डिसकंटिन्यूटी उसको दिख जाएगा, तुरंत दिख जाएगा कितना है, 0 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। और बच्चे सोचेंगे पता नहीं इतना लेंदी क्वेश्चन क्यों दे दिया है। भैया लेंदी नहीं दिया है, समझो बात को। तो समझ गए क्या करना है आपको, क्या यहां से सीखने को क्या मिला? दो चीजें। पहली चीज सीखने को मिली कि कभी भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने के लिए हमें क्या करना होता है, कभी भी अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे तो हम उस पॉइंट को खोजने की कोशिश करेंगे जहां पे फंक्शन बदल रहा है, ठीक है। तो फंक्शन कहां कहां इसमें बदला? दो जगहों पे, एक -1 पे बदला और एक 0 पे बदला। जहां पे फंक्शन बदलेगा उस जगह पे हम क्या कर देंगे, LHL और RHL, यानी कि वहां पे कंटिन्यूटी चेक कर देंगे। अगर वहां कंटिन्यूटी सही आया तो समझ लो ये हर जगह कंटिन्यूअस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। समझ गए बात को? तो यही एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए, और बाकी जो क्वेश्चंस तुम्हारे हैं जो तुम लोगों ने भेजे हैं मैं उसको तुम्हारे व्हाट्सएप पे फिर से बना के भेज दूंगा, पब्लिकली क्वेश्चन को नहीं लेके आ रहा हूं, ठीक, क्योंकि वो सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। अगर किसी को दिक्कत है कुछ और तो मेरे को भेजो, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर दूंगा, एंड प्लीज क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज का क्लास बस यहीं तक, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया खत्म, ठीक है। अच्छा एक और मैं बड़ा अच्छा बताता हूँ, एक क्वेश्चन और जो मुझे लेना चाहिए था मैंने नहीं लिया है। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन है शायद 16 नंबर या 17 नंबर कि 44 नंबर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, लॉग वॉग लगा के, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वो मैक्सिमम लोगों को फंसता है। तो कल डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाने के बाद हम उसको बता देंगे, ठीक है, अभी आज भूल गया मैं उसको लेना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, समझ गए बात को। चलो ठीक, अभी जाके घर पे खूब बढ़िया क्वेश्चन बनाओ, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं किए हैं, लास्ट क्लास है, कल डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट होगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।